Sapan. Sapan diyeceğim. Atamakta. Ne, ta su ve sapan diyeceğim. Nasıl? Tekrar गोड़े ने ठीक हो गया ना, कर गोड़े लूँ मैं। तुम यार तो सामने सामने वाली ऑफ कर दें यार। तो कितने बच्चे हैं जो आउटसाइडर हैं ऑनलाइन? ये जो पांच सैफुल्ला के नाम ही सुन के चले गए। चले। अच्छा तो आपकी क्लास कौन कौन सी थी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्यूएम की। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या चीज है? जी तो चैप्टर नंबर वन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक हो गया जी। सो रिवीजन क्लास जो है वो आपको पता है कि क्योंकि नेक्स्ट ग्रेड स्पीड से होती है, हमने ऑलरेडी एक दफा पढ़ लिया होता है, इसको हम तेजी से पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो है क्या चीज, इसमें उसकी डेफिनेशन, वो साइंस है, वो वेल्थ है, वो क्या चीज है, इसको स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स की मेन तीन डेफिनेशन हैं। एक एडम स्मिथ की डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, तो जिसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो यूं की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इसने इकोनॉमिक्स की यूं डेफिनेशन की। और ये कलर जो है ये सही नहीं है इसके लिए, यस ठीक है जी। सो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसको हम, इसकी बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई। एमसीक्यूज में ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बुक का नाम भी आ सकता है, और साथ साथ जो है वो ये भी आ सकता है कि ये कब लिखी गई थी, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो इसमें जो मेन चीज थी जो वो थी वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ के ऊपर जो है वो डेफिनेशन कंसंट्रेट करती थी। इसका सेंट्रल पॉइंट वेल्थ था कि वेल्थ कंज्यूम कैसे की जाती है, वेल्थ प्रोड्यूस कैसे की जाती है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कैसे होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होता है। सो इसने जो बुक लिखी उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन थी, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। यूं इस डेफिनेशन में सेंट्रल पॉइंट जो था वो इनफैक्ट ये वेल्थ ही था, जिसकी वजह से इसके ऊपर बाद में ये जो है वो क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन इसके बाहर बहुत सारे जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी इसने दिए, जो कि हम देखते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स में जाके बड़े इंपॉर्टेंट हुए। एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट था, बार्टर का कॉन्सेप्ट था, तो ये इसने दिए जी। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जितनी हुई वो रस्कन और कार्लाइल दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने की, और इसने, इन्होंने इसकी डेफिनेशन को डिसमल साइंस यानी शैतानी इलम और साइंस ऑफ मैमन वर्शिप कह दिया, दौलत के पुजारियों का इलम कह दिया, जिसकी वजह से फिर इसकी डेफिनेशन जो है, इसके बाद एक और डेफिनेशन आई इस क्रिटिसिज्म के बाद। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये तो हमें एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा जो है वो सब्जेक्ट बताता है या एक्सप्लेन करता है कि जो हमें लालची बना देता है
कि हाउ टू एक्युमुलेट द वेल्थ, हाउ टू कंज्यूम एंड प्रोड्यूस द वेल्थ, और कोई काम ही नहीं है। सो लिहाजा फिर जो दूसरी डेफिनेशन थी वो थी, इसके बाद जो आई वो थी साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये एल्फर्ड मार्शल की डेफिनेशन थी। ये इन तीनों के तीनों बेसिकली इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे तीनों के तीनों जी। तो एल्फर्ड मार्शल की डेफिनेशन, एल्फर्ड मार्शल ने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 को ये बुक लिखी गई, उसकी डेफिनेशन ये थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग। ये आपको डेफिनेशन जो है वो एज इट इज याद होनी चाहिए, या एटलीस्ट चले चूंकि लिखी हुई होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी डेफिनेशन है। आपने चूंकि लिखना बहुत कम है, ज्यादातर आपने सिर्फ वो चीजें पॉइंट आउट ही करनी है। सो इस डेफिनेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब ये वेल्थ की जगह पे स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये उस इंसान की स्टडी है जो कि सोसाइटी में रहता है, जो सोशल जो सोशल मैन है उसकी स्टडी है। और फिर इट इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग, मटेरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग, ये जो है ये इसने डेफिनेशन की मटेरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग। तो इसने इस डेफिनेशन में एक तो ये वेल्थ की जगह पे अब इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, उसकी वेलफेयर के लिए इंसान जो है इसने कहा कि वेल्थ हम अक्यूमुलेट करते हैं, अदरवाइज वेल्थ जो उसकी कोई अहमियत नहीं है। सो लिहाजा वेल्थ जो है वो सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर चली गई और जो प्राइमरी पोजीशन है वो आ गई ये वेलफेयर को। तो फिर इसने ये मटेरियल रिक्विजिटी, तो इसने ये कहा कि इसमें जितनी हम मटेरियल चीजें स्टडी करते हैं ये उनके लिए है, यानी सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करता है, नॉन मटेरियल जो है उनको वो छोड़ देता है। फिर ये वेलफेयर वो चीजें जिनसे इंसान को वेलफेयर होती है ये, और इसी यही चीजें जो है ये इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म भी यही करती हैं, और ये क्रिटिसिज्म जो थी वो की थी इसने लायनल रॉबर्ट्स ने। अब इसके मेन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सोशल मैन रादर देन द आइसोलेटेड मैन, फिर इसी तरह से ह्यूमन वेलफेयर को प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वेल्थ को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी गई, फिर ये सिर्फ जो है वो मटीरियल चीजों को स्टडी करती है, नॉन मटीरियल जो सर्विसेज है उनको वो इग्नोर कर देती है। क्रिटिसिज्म लायनल रॉबर्ट्स ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो इन्हीं जो मेन पॉइंट्स हैं इनके ऊपर उसने क्रिटिसिज्म भी किया कि ये जो है ये इसकी डेफिनेशन जो है वो सिर्फ मटेरियल चीजों तक महदूद कर देती है और नॉन मटेरियल सर्विसेज को इसने छोड़ दिया। यूं एडम स्मिथ की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हाफ कर दिया जी। तो फिर जो दूसरा इसका पॉइंट था ये अगर इधर रहेगा ये बॉक्स तो नजर नहीं आएगा सारा, इसको थोड़ा कम करें हो सकता है। नहीं ये तो पूरा स्लाइड तो पूरी आती है, अभी एक पॉइंट रहता वो नीचे तक आ जाएगा। हाँ ये है, एक ऑप्शन दी हुई थी ऑटो की ना। बताना यार जब कोई आए जी। तो
परफेक्ट ठीक जी, तो इसको अगर हम मिनिमाइज भी कर दें तो जब कोई नया स्टूडेंट आएगा वो आएगा सामने। पता चल जाएगा हमें जी। तो ये जो है वो नॉन मटेरियल सर्विस जो है उनको उसने छोड़ दिया, तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को उसने हाफ कर दिया। लॉयनर रॉबर्ट्स ने जो दूसरी क्रिटिसिज्म की वो वेलबींग की थी, तो उसने कहा कि वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एम्बिगस कॉन्सेप्ट है, सो लिहाजा इकोनॉमिक्स का वेलबींग के साथ कोई तल्लक नहीं है। कोई चीज किसी को वेलफेयर देती है या नहीं देती ये हर एक का अपना अपना पर्सनल मैटर है। तो मैं तो यार यही काम करता रहूंगा फिर। चलें, इकोनॉमिक्स इज लीस्ट कंसर्न्ड विद द सोशल और नॉन सोशल मैन। तो लॉस ये है कि इसका सोशल या नॉन सोशल मैन जो है इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंसान सोसाइटी में रहता हो, सोशल हो, नॉन सोशल हो, जंगल में रहता हो, इन आइसोलेशन हो, तो रॉबिन्स का ये है कि रॉबिन्स का ये कहना है कि जहां पे हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड जस्ट केस, तो वहां पे इकोनॉमिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसमें सोशल मैन या नॉन सोशल का बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। एम्बिगुअस जो है ना वेलबींग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली उस एम्बिगुअस को उर्दू में क्या कहेंगे, मुबहम। यानी देखे ना, एक चीज से आपको वेलफेयर हो रही है, जरूरी नहीं है उसी से उसको मुझे उससे मुझे भी हो, तो ये हर एक के लिए डिफरेंट है। ये जो है ना वो हमारी अपनी इनफैक्ट जो है वो इंटरेस्ट से डिपेंड करती है ये चीजें। ये हमारी अपनी वैल्यू जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी हमें चीज वेलफेयर दे रही है कौन सी नहीं दे रही। तो तीसरी डेफिनेशन जो है वो लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन है, और इसने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1931 को ये बुक लिखी थी, और इसकी डेफिनेशन जो है वो यूं थी, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसने क्या किया कि इसने इकोनॉमिक्स को साइंस कह दिया, क्योंकि ये न्यूटन का पीरियड था, हालांकि प्योर साइंस नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस है ना कि पॉजिटिव साइंस। और फिर इसने जो इम्पॉर्टेंट इसके जो पॉइंट थे वो ये एंड थी, मीन थी, और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो उसने ये कहा कि इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर अनलिमिटेड। तो फिर जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मजबूर होते हैं, वहां पे चॉइस करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है। इसके लिए इंसान का सोसाइटी में रहना या सोशल मैन या नॉन सोशल मैन जो है इससे इसका कोई लिंक नहीं है। यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो एंड्स मीन वांट्स, हमारी वांट्स लिमिटेड अनलिमिटेड हैं, ना खत्म होने वाली हैं, बार बार पैदा होती हैं। और दूसरा जो है वो मींस, मींस का मतलब रिसोर्सेज या स्केर्स रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनफैक्ट वो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। तो इकोनॉमिक्स है ही है कि हम किस तरह से हाउ टू एलोकेट अवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स नेसेसिटेट्स अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से फिर हम अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स एंड लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होते तो फिर हम अल्टरनेटिव यूज भी ना करते जी। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म की गई वो ये की गई थी कि ये जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है ये इस इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस जो है वो मानती है, हालांकि प्योर साइंस नहीं है ये, इनफैक्ट इसका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है, जिसमें हम अपनी ह्यूमन जजमेंट देते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं, जबकि प्योर साइंसेज में वैल्यू जजमेंट नहीं है, सिर्फ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये मैं मार्कर छोड़ूंगा तो ये जमीन पे गिरेगी, इसकी कॉज क्या है कि ये इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी कॉज है ग्रेविटी, और इफेक्ट क्या कि ये जमीन के ऊपर गिर जाती है। तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, हम अपनी जजमेंट इसमें नहीं देते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में हम अपनी जजमेंट जो है वो भी वैल्यू जजमेंट देते हैं, हम अपना व्यू पॉइंट भी देते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द ट्रेड साइकिल अकर, फिर ये भी नहीं बताती है कि ट्रेड साइकिल कैसे आते हैं, उनको हम किस तरह से रिवर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन,
इनका भी सोल्यूशन ये डेफिनेशन जो है वो नहीं बताती है। तो ये हो गए जी इसके चंद एक जो है वो पॉइंट। चले जी जी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या चीज? जो पहली दो डेफिनेशन है मार्केट की और एडम स्मिथ की, वो क्या है? वो भी नहीं बताती कि ट्रेड टर्म क्या होता है। नहीं वो भी कुछ नहीं, वो भी वो तो बिल्कुल भी कोई बहुत सारी चीजें नहीं ना बताती, उनमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये फिर भी मॉडर्न डेफिनेशन, लेकिन इसके ऊपर भी भरल क्रिटिसिज्म हुआ हुआ है। तो इकोनॉमिक्स जो है क्या ये एक साइंस है या आर्ट है? तो साइंस जो है वो क्या चीज है? साइंस इन फैक्ट सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कलेक्टिंग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके ऊपर हम एक रिजल्ट जो है वो बनाते हैं, जिसको हम लॉ बोलते हैं। जबकि आर्ट जो है वो इनफैक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंस है। उन्हीं जो लॉज को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं सोल्यूशन के लिए, तो ये जो हमारी माइक्रो का पोर्शन है ये बेसिकली साइंस है। इसमें हम थ्योरीज और लॉ बनाते हैं, फिर इनकी एप्लीकेशन आप देखते हैं कि मैक्रो में हम करते हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हम जो है उसको कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, फिर इसी तरह से हम ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो साइंस जो है वो क्या पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? अब पॉजिटिव सिंपली आप ये देख लें कि पॉजिटिव साइंस क्या चीज है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या चीज है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ उसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, हमारी अपनी कोई जजमेंट वैल्यू जजमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो लिहाजा जबकि नॉर्मेटिव साइंस जो है उसमें हम अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं। किसी अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ हो कि शुड बी या आर्ट टू बी के वर्ड मौजूद हो, या उसमें ये है कि वेलफेयर का भी वर्ड मौजूद हो, वेलफेयर भी चूंकि हमारी अपनी जजमेंट है ना, एक चीज से आपको वेलफेयर होती है तो मुझे तो उससे नहीं होगी, कुछ चीजों से मुझे वेलफेयर है लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, हम घर में भी देखते हैं कि एज का भी फैक्टर है, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी फैक्टर होता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का भी फैक्टर होता है। तो जरूरी नहीं है जो आपको चीज पसंद है वो किसी दूसरे को भी पसंद हो। तो जब वैल्यू जजमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब है फिर वो जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। तो किसी भी स्टेटमेंट में जब शुड बी आर टू बी के वर्ड मौजूद होंगे तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी। जी तो ये वो साइंस की डेफिनेशन, आर्ट की डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैंने कर दी हुई है, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो साइंस जो है वो मेथडोलॉजी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो उसकी जो है वो इनफैक्ट आर्ट है। जी पॉजिटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द डेटा एंड फैक्ट, तो ये भी डेफिनेशन कर दी। नेगेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट, उसमें हम अपनी जजमेंट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं क्या होना चाहिए, ये वहां पे हम बताते हैं। इसके लिए एक टेबल दिया हुआ होगा, ये टेबल। अब ये एग्जांपल दी गई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अच्छा ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, जबकि नॉर्मल सब्जेक्टिव वो उसको हम बोलते हैं जो कि हमारी एक्सटर्नल जिनमें फैक्टर होता है। नॉर्मेटिव, हाँ तो मैं उलट बोल रहा हूं। अच्छा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल उसमें फैक्टर होते हैं और हमारी अपना इंटरनल, हमारी अपनी वैल्यू जजमेंट, अपना ओपिनियन नहीं होता। जबकि सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है उसमें ये इंटरनल फैक्टर होते हैं, तो हमारी अपनी वैल्यू जजमेंट इसमें होती है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेल्थ केयर इंक्रीजेज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये बिल्कुल क्लियर चीज है कि गवर्नमेंट हेल्थ जो केयर जो है वो जब देगी, फ्री देगी, तो उससे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, अब देखें यहाँ पे शुड का वर्ड आ गया, तो जहां पे शुड का वर्ड आ गया तो अब ये जो होगी ये फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ताकि स्टेटमेंट शुड ऑट टू बी या जहां पे वेलफेयर की का वर्ड आ जाए तो वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज वो पॉजिटिव होगी।
फ्री प्राइमरी एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपिटल। अब ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आप देंगे फ्री, तो गवर्नमेंट जो है वो उससे ह्यूमन कैपिटल हमारा बढ़ेगा, लोगों की स्किल ट्रेनिंग ये चीजें बढ़ जाएंगी, जैसे अमेरिका यूरोप में दी जाती है। गवर्नमेंट, अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, अगेन यहाँ पे शुड का वर्ड आ गया, तो ये होगी फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। जी चले जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, एक डिसीजन मेकिंग यूनिट। जैसे हमने माइक्रो पढ़ लिए, हमने माइक्रो में ये पढ़ा, एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, एक कंज्यूमर, एक फैक्ट्री, फर्म, एक इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा, या एक हाउस होल्ड को पढ़ा, और हमने इसमें पूरी इकोनॉमी को एज ए होल नहीं पढ़ा, एक प्रोड्यूसर को पढ़ा, एक कंज्यूमर को पढ़ा, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, प्राइस ऑफ ए गुड, कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, या इसी तरह से एक फर्म को, एक हाउस होल्ड को हम पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कमोडिटी प्राइसिंग, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। ये प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि हमने यही देखा कि ये जो है ये हम किस तरह से प्राइस कैसे डिटरमिन करते हैं, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से। तो बहुत बड़ा मेन फैक्टर, जितने भी फैक्टर प्राइसेस हैं, गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस की डिटरमिनेशन है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होती है। फिर इसी तरह से ये दूसरा फैक्टर प्राइसिंग के बाद आ गया, मार्केट कमोडिटी प्राइसिंग के बाद फैक्टर प्राइसिंग। बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन कौन से, और इनका सोल्यूशन जो है वो कैसे होता है। वेलफेयर थ्योरी, और इसमें हम अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं, ठीक है। अच्छा है कोई स्टूडेंट, अच्छा जो जो आ रहे हैं तो हम इसको कर तो रहे हैं। ये क्यों भाई, ये आए नहीं बच्चे, पता नहीं चला, इनका पता ही नहीं चला लगता है, क्या ऐसे। अच्छा जी चले, तो वेलफेयर थ्योरी जो है इसमें हम ये चीजें स्टडी करते हैं। ये जो पेपर होगा ना एमसीक्यूज का, वो काफी वैरायटी में हो सकता है। इकोनॉमिक्स में तो स्पेशली बहुत वैरायटी में पॉसिबल है, क्योंकि वो बिल्कुल हरगिज जरूरी नहीं है कि बुक में से, अपनी बुक में से पेपर बनाए या मेरी बुक में से पेपर बनाए। और हमने देखा कि उसने अपनी बुक में ए लेवल से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, और अपनी बुक में बिल्कुल जिक्र तक नहीं है उस तरह के टॉपिक का। तो जी, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो मौजूद हो। तो अब दोनों हो गए या कि एक हुआ है। चले जी, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि हम एक इकोनॉमिक एजेंट को यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, एक इकोनॉमिक एजेंट को स्टडी करेंगे। जी, एक इकोनॉमिक एजेंट को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और एलोकेशन ऑफ स्केस रिसोर्सेज, हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, स्केस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। तो हमने माइक्रो में इनफैक्ट यही चीजें स्टडी की थी, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक फैमिली, एक फर्म किस तरह से रिसोर्सेज की एलोकेशन करती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमने इसी में स्टडी किया। फिर इसी तरह से प्राइसेस डिटरमिनेशन, हाउ द प्राइसेस अफेक्टेड द प्रोडक्शन, और हाउ द प्राइसेस द प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज किस तरह से डिटरमिन होती है, ये भी माइक्रो जो है ये उसका पार्ट है।
फिर इस तरह इसी तरह से हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी सारी की सारी हम उन बनाते इधर हैं, क्योंकि ये जो है वो साइंस है, जबकि इसकी एप्लीकेशन आर्ट है जो कि हम मैक्रो में जाके उसको स्टडी करते हैं जी। इसके बाद हम आते हैं जी लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन कौन कौन सी है? नैरो स्कोप है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट को स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी नहीं करता। फिर इसी तरह से हम देखते हैं वीक अजम्पशन है, ये जो इसकी अजम्पशन है लेजी स्पेरीज है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये वीक अजम्पशन जिनके ऊपर ये बेस करती है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। कैन नॉट सॉल्व द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, ये कैसे इनका सोल्यूशन होता है, ये चीजें ये नहीं बताती है। चलें जी अब हम आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। तो फॉलोइंग एजम्पशन, अब ये उसकी एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट थे ये अज्यूम करते थे कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और दूसरी ये लेजी फेरी जो है उसको अज्यूम करते थे कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन होना चाहिए, ना तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करे ना ट्रेड यूनियन। तो केन से पहले की जो इकोनॉमिक्स है वो इनफैक्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, वो इन दो चीजों के ऊपर बेस करती थी, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। जबकि केन्स ने आके इन दोनों चीजों को जो कि उसने देखा कि ये जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था उसने देखा कि ये दोनों चीजें उसने गलत साबित कर दी कि ना तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है हर वक्त, इकोनॉमी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी पॉसिबल है, और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन हो सकता है, और दूसरा उसने कहा अगर आप लेजी फेरी के ऊपर डिपेंड करेंगे नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर तो फिर हैंड्स ऑफ पॉलिसी, ये फ्रेंच फ्रेज है लेजी फेरी, हैंड्स ऑफ पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस। तो उसने कहा अगर आप नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर बेस करेंगे तो ये तो परसिस्टेंट जो है वो चलता जाएगा डिप्रेशन, ये कभी खत्म नहीं होगा, लिहाजा उसने फिर गवर्नमेंट को सुजेस्ट किया कि वो यहाँ पे आके तो इंटरफेरेंस करे जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन बिग और लार्ज, माइक्रो मीन स्मॉल, और माइक्रो के लिटिल मीनिंग जो है वो मिलियंस पार्ट के हैं, मैक्रो मीन बिग और लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेज ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीजें, मनी, ये सब चीजें हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इनफैक्ट हम स्टडी करते हैं, ये सब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। नेशनल इनकम के 2-3 चैप्टर हमने पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के, नेशनल इनकम उसकी डिटर्मिनेशन, और नेशनल इनकम जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये उसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैसे। फिर इसी तरह इनफैक्ट जो है वो आपका ये जो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वो भी नेशनल इनकम को ही जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो 3-4 चैप्टर जो है वो हमने पढ़े। इनफैक्ट इस वक्त जो आईकैप का सिलेबस है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सारी की सारी नेशनल इनकम ही है, यानी ये एक चैप्टर था पिछले सिलेबस में, अब उसने ये 4 चैप्टर बना दिए हुए हैं, तो ये सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स इधर है अब। लेकिन जो उसने वो अब पॉलिसीज और ट्रेंड के नाम से दिया वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, अब उसने पार्ट अलग-अलग बना दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये भी यानी माइक्रो के अलावा जितनी चीजें हम पढ़ते हैं वो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होती हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये भी पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। फिर इसी तरह से ग्रोथ है, इंक्रीज इन रियल आउटपुट, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, उनकी इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन कैसे होती है, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो उसमें स्टडी करते हैं। चले जी इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमने स्टडी किया ग्रोथ को कैसे अचीव करना है फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी से, और इसी तरह से सप्लाई साइड पॉलिसी से। लेकिन हमारे सिलेबस में बहरहाल अनफॉर्चुनेटली सप्लाई साइड पॉलिसी है ही नहीं, जो कि हमारे लिए, जो हमारे लिए पॉलिसी है वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में।
हेल्पफुल इन अचीविंग इकोनॉमिक गोल। तो इकोनॉमिक गोल जो है जो कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम, ये जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया के, उनको कैसे जो है वो हेल्प, ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। इंटरनेशनल ट्रेड, प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन, और इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें आपने देखा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें स्टडी करते हैं जी। जी लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन में एक्सेसिव जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें ना, जनरलाइजेशन में तो यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फर्ज करें पाकिस्तान का 5-8% हो भी गया तो ये तो इकोनॉमी का बताएगी, लोग खुश होंगे जी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट हो गया, लेकिन क्या सारे लोगों को उसका फायदा पहुंचा? एक जनरल तो ये बताएगी, लेकिन कितने लोग वो भी होंगे जो थर में भूखे भी मर रहे होंगे ना। तो ये एक्सेसिव जनरलाइजेशन है, इंडिविजुअल को ये नहीं देखती है मैक्रो इकोनॉमिक्स जी। अब इसी तरह से हेट्रोजीनियटी जो है इज इग्नोर्ड, हेट्रोजीनियस एस्पेक्ट, कोई लोग अमीर हैं, कोई गरीब हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कोई छोटी उम्र के हैं, कोई बड़ी उम्र के हैं, कोई हैंडीकैप है, ये इस चीज को जो है वो इग्नोर कर देती है। उसमें तो एक जनरली जो है वो एक सिनेरियो देना है, मिसलीडिंग एनालिसिस, और इसमें इसका एनालिसिस जो है वो भी मिसलीडिंग, ये बेसिकली जनरलाइजेशन की वजह से सारे प्रॉब्लम है। मिसलीडिंग एनालिसिस है कि जी बोए बे ताशा जो है वो ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों की रेंज में बेसिक नीड तक जो है वो ना हो जी। फिर इसके बाद हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इनका आपस में इंटरडिपेंडेंस है, ये दोनों इकट्ठी काम करती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, इसमें हम पॉलिसीज जो है उसको बनाते हैं, लॉज को बनाते हैं, इंडिविजुअल को भी हमने देखना होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को देखती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को देखती है, दूसरी जो है वो इंडिविजुअल को इग्नोर कर देती है। एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन देती है, दूसरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन ही देती है। सो इन दोनों को मिला के इस वजह से हम स्टडी करते हैं, तो इनका एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। और वैसे भी हम चूंकि पॉलिसी और लॉज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, जबकि जो जी जबकि इनकी एप्लीकेशन जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके करते हैं जी। अब इन नॉट शेल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके दरमियान, उसमें ये डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है। नंबर वन, ओरिजिन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ओरिजिन, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की ओरिजिन ग्रीक वर्ड है दोनों। सो ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन मिलियनथ पार्ट, जबकि मैक्रो इज आल्सो ग्रीक वर्ड विच मीन बिग और लार्ज। माइक्रो में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। स्कोप, इट मे बी स्टडिंग एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड दैट ऑफ इंडिविजुअल फर्म और व्हाट हैपेंड इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो सिर्फ इसका स्कोप लिमिटेड स्कोप है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या फर्म को स्टडी करती है या ज्यादा से ज्यादा एक इंडस्ट्री को स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, तो ये एज ए होल पूरी इकोनॉमी को इनफैक्ट स्टडी करती है। इंपॉर्टेंस में अगर हम देखते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट फोकसेस इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये इनको तो स्टडी करती है मगर मैक्रो को स्टडी नहीं करती है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी नहीं करती है। ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को तो स्टडी करती है मगर आप देखते हैं कि ये इंडिविजुअल को ऑल टूगेदर इग्नोर कर देती है। इसकी लिमिटेशन माइक्रो को ये है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट को अज्यूम करती है और लेजी स्पेरी को अज्यूम करती है, जो कि दोनों कंसेप्ट जो है वो इनफैक्ट इसने केज ने आके बिल्कुल जो है वो गलत साबित कर दिए, और स्पेशली जो उसका ये जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन, उसमें।
अच्छा, ये गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वही हैं जो कि इनफैक्ट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए हैं। तो गोल्स क्या क्या हैं? टू इंक्रीज एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली और ऑप्टिमली, हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑप्टिमली यूज करें। दूसरा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह से मिनिमाइज करें, इन्फ्लेशन को हम किस तरह से कंट्रोल करें, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे ठीक करें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है इसको हम कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वही जो मेन चार ऑब्जेक्टिव है वो तो वही है जी। इसके बाद जो है वो नेचर, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्केस्टी चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज का है। तो स्केस्टी जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड वांट्स हैं। इसमें स्केस्टी और चॉइसेस में सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो नीड की डेफिनेशन है। सो नीड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट टू सस्टेन लाइफ, ठीक है, नेसेसिटी टू सस्टेन लाइफ या सस्टेन लाइफ एक ही बात है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जैसे ब्रेड, क्लोथिंग, वाटर, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक रिक्वायरमेंट टू सस्टेन लाइफ, इनको हम नीड बोलते हैं। अब ये नीड जो है वो अमेरिका यूरोप में फॉर ग्रांटेड होती है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है ही नहीं वहां पे जिसके पास ये चीजें मौजूद ना हो। गरीब अमीर होने के बावजूद जो सबसे गरीब तरीन भी इंसान है ना, ये बेसिक नीड ऐसी नहीं है कि उसकी रेंज में ना हो। गवर्नमेंट खुद फ्री भी प्रोवाइड कर देती है अगर उसकी रेंज में ना हो, गवर्नमेंट उसको जो है वो इस तरह के अलाउंसेज दे रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन ये चीजें उसके पास मौजूद होती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। वांट्स मीन, अब वांट्स जो है वो बेसिक नीड से जरा ऊपर है। सो वांट्स मीन्स एंड रेफर्स टू ह्यूमन डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो ब्रेड है वो तो बेसिक नीड है, पर बारबेक्यू जो है वो वांट में आता है। जिंदा रहने के लिए पानी तो बेसिक नीड है, पर कोल्ड ड्रिंक जो है वो वांट में आ जाती है। जिंदा रहने के लिए आपके पास शेल्टर, जो कि आम शेल्टर भी हो सकती है, एक झुग्गी भी हो सकती है, एक कच्चा घर भी हो सकता है, लेकिन डीएचए का चार कनाल का, आठ कनाल का घर जो है वो वांट में आता है। तो ये फर्क है नीड और वांट में, ठीक है जी। सो वांट्स मीन्स एंड रेफर टू ह्यूमन डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट मे नॉट बी ए थिंग विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब ये नहीं है कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं, बारबेक्यू के बगैर जिंदा रह सकते हैं, सैर किए बगैर जिंदा रह सकते हैं, डीएचए के चार कनाल या एक एकड़ के घर के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, बस घर होना चाहिए, ये जो है ये बेसिक नीड है, और बहुत बड़ा घर होना चाहिए ये फिर वांट है जी। रिसोर्सेज अच्छा, अब यहाँ पे वांट जो है उनकी हम ये डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सॉरी इनके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है, ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है, बचपन से लेके तो मरते दम तक ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, और अनलिमिटेड होती हैं, फिर रिपीटेड नेचर की हैं, बार बार पैदा होती हैं। सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को फिर भूख लग जाती है, पानी पीते हैं, फिर बाद में घंटे बाद पानी पीते हैं, फिर ये वांट जो है ये इनकी इंपॉर्टेंस डिफर करती है फ्रॉम वांट टू वांट। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट्स होती हैं उनको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट वांट उनको हम डेफर कर देते हैं, फर्दर लेस इंपॉर्टेंट वांट को हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन और फॉर द इकोनॉमी टू सेटिस्फाई ऑल इट्स वांट्स। तो लिहाजा हम कुछ वांट जो है उनको छोड़ भी देते हैं, कुछ वांट को हम डेफर भी कर लेते हैं, और फिर हम रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली इनफैक्ट यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी और अनलिमिटेड वांट जो है उसकी वजह से जी। जी स्केर्सिटी, तो स्केर्सिटी मीन इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट, कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, इनसफिशिएंट है, यही बेसिकली स्केर्सिटी है। सो चॉइसेस कब होते हैं? इसी वजह से कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, सो फिर हम चॉइस करते हैं। जो चॉइस मीन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट कंपीटिंग एंड। स्केर्स रिसोर्स की आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि एनीथिंग हुज क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स अवेलेबल सप्लाई, इसको भी हम स्केर्स रिसोर्स बोलेंगे जी, जैसे लेबर, टाइम वगैरह। एजेंट, एजेंट क्या चीज है? डिसीजन मेकिंग यूनिट इन एन इकोनॉमी, इनको हम एजेंट बोलते हैं।
वो डिसीजन मेकिंग यूनिट हाउस होल्ड हो सकते हैं, वो फर्म हो सकती है, वो जो है वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है या जिसको स्टेट कहते हैं, या वो फॉरेन ट्रेडर भी हो सकता है। तो चार इकोनॉमिक एजेंट जो है वो पॉसिबल है। हाउस होल्ड क्या चीज है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इनकम एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड सर्विस सेक्टर टू द फर्म, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विस टू द फर्म। अब ये जो हाउस होल्ड है इनको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ये जो है ये गुड्स और सर्विस की कंजम्पशन करते हैं, या दूसरा ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इनको वो प्रोवाइड करते हैं फर्म को। फर्म क्या चीज है? फर्म मीन द ऑर्गेनाइजेशन विच एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या चीज है? गवर्नमेंट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्न द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स लॉज और ट्रेडिशन। ठीक है, ये ट्रेडिशन इंग्लैंड की वजह से, अदरवाइज आमतौर पर रूल्स और लॉज ही होते हैं। फॉरेन ट्रेडर क्या है? फॉरेन ट्रेडर मीन द फॉरेन कंट्री विच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। तो गुड्स और सर्विस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इनको हम फॉरेन ट्रेडर बोलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। So, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये बाद में आ गई, ये एनिमेटेड इफेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जी। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लैंड क्या चीज है? लैंड मीन्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इंक्लूडेड इन द लैंड। वो लैंड के नेचुरल रिसोर्सेज रिकवरेबल भी हो सकते हैं, जिनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं, वो नॉन रिकवरेबल नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। रिकवरेबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड है, जैसे ये फॉरेस्ट हैं, ये रिकवरेबल रिसोर्सेज हैं। जबकि नॉन रिकवरेबल रिसोर्सेज, अच्छा इसमें हम ये जो एयर, विंड और सनशाइन, इनको भी रिकवरेबल बोलते हैं, ये भी रोज प्रोड्यूस होती हैं, ये कम नहीं होती हैं। नॉन रिकवरेबल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को बोलते हैं विच कैन नॉट बी रिप्लेस, जैसे मिनरल, ऑयल, गैसेज, ये नॉन रिकवरेबल है, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रेंट जो है वो रिवार्ड होता है लैंड का, सो रेंट इज द रिवार्ड फॉर यूजिंग द लैंड, ये रेंट जो है इसको हम लैंड का रिवार्ड बोलते हैं। फिर लेबर क्या चीज है? फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग, वर्क डन बाई पीपल, वर्क डन बाई ह्यूमन बींग, वो वर्क जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल एफर्ट भी हो सकती है। वेज रेट इज द रिवार्ड पेड टू द लेबर फॉर हिज सर्विसेज, लेबर को हम स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर हो सकती है। अब अनस्किल्ड लेबर कंसिस्ट ऑफ अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड पीपल, स्किल लेबर कंसिस्ट ऑफ एजुकेटेड एंड ट्रेंड पीपल। जब आप अनस्किल लोगों को एजुकेशन दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, तो आप उन अनस्किल लोगों को स्किल लोगों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे मेन फैक्टर जो है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। कैपिटल मीन्स फिजिकल स्टॉक ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ये फिजिकल कैपिटल, एक फाइनेंशियल कैपिटल होता है जो कि आपकी कैश, बैंक अकाउंट, ये बॉन्ड, शेयर वगैरह, वो फिजिकल, वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। इंटरेस्ट रेट इज द रिवार्ड ऑफ द कैपिटल, सो इंटरेस्ट रेट इसका कैपिटल का रिवार्ड होता है। जे एम केन्स ने इसकी डेफिनेशन यूं भी की है कि इंटरेस्ट रेट इज द रिवार्ड ऑफ सराउंडिंग लिक्विडिटी, इट इज द प्राइस ऑफ लोन, कोई भी डेफिनेशन जो उसको आप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज ए फैक्टर विच ऑर्गेनाइजेज लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट, टेक्स रिस्क फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, ये लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है, और इसका जो जो रिवार्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है इट इज द रिवार्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग रिस्क। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजर, अब ये कॉलेज है ना, इसके कुछ ऑर्गेनाइजर भी है ना, ओनर जो है, अक्सर ओनर ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजेशन ये कॉलेज है, इसका ओनर भी है ना एक, इसमें लैंड है,
ये बिल्डिंग, ये सारा लैंड है, ठीक है, और इसमें मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट भी हैं जिनसे हम काम ले रहे हैं, लेबर भी है, स्टाफ सपोर्ट स्टाफ है, टीचर है, ये सब लेबर में है, ऑर्गेनाइजर भी है इसके ना, जो कि पार्टनर है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग रिस्क। इसमें ये जी सब उसकी डेफिनेशन में ये चीजें मौजूद हैं जो नॉन रिकवरेबल है। क्यों नहीं फिक्स सप्लाई? ये जितनी भी चीजें लैंड के अंदर मौजूद है ना, लैंड एक एक तो जमीन का टुकड़ा बाजार हमें नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स हैं। अब वो जितनी है उतनी है, वो तो नहीं बढ़ती है। हाँ, कुछ नॉन रिकवरेबल रिसोर्सेज वो रोज के रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं है कि काम ज्यादा कर लेना। एयर सनशाइन को भी हम तो नहीं काम ज्यादा कर सकते हैं। जो जितने मिनरल्स हैं वो इतने ही हैं। देखिए ना, सुई गैस जो है वो सुई गैस फील्ड से ये निकली थी कोई 60s में, एक्सप्लोर हुई थी। अब वो 2050 की मेरे ख्याल में स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि ये खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है ना, अब खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो अब देखें, हम तो उसको नहीं ना बढ़ा सकते हैं, वो फिक्स थी, वो उतनी ही रहेगी जी। अब इसमें चार फैक्टर आप प्रोडक्शन में, लैंड और कैपिटल, ये जो है ये तो नॉन ह्यूमन फैक्टर है, ये लैंड और कैपिटल, जबकि लेबर और ऑर्गेनाइजर ये दोनों एंटरप्रेन्योर, ये दोनों ह्यूमन फैक्टर होते हैं। ठीक हो गया जी, चले जी। और किसी स्टूडेंट तो मैंने ज्वाइन किया अब जी। फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड्स हम उन गुड्स को बोलते हैं विच आर फ्री गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। ये फ्री गिफ्ट हैं ऑफ द नेचर, जैसे कि एयर और सनशाइन है, ये सारी की सारी जो है ये फ्री गुड कहलाती हैं, एयर और सनशाइन। जबकि इकोनॉमिक गुड जो है ये, अच्छा ये फ्री गुड भी यूटिलिटी तो पोजेस करती हैं, लेकिन इनकी प्राइस नहीं होती है। एयर की, सनशाइन की कोई हम प्राइस नहीं देते हैं। इसी तरह से ये विंड वगैरह है, वो खैर सन एयर में ही आ जाती है, हम इसकी कोई प्राइस नहीं देते हैं, लेकिन यूटिलिटी जो है ना, इसके बगैर लाइफ तो मुमकिन नहीं है। जबकि इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड विच पोजेस यूटिलिटी एंड हैव ए प्राइस, उनकी यूटिलिटी होती है और प्राइस, जैसे टीवी है, जैसे बुक है। अच्छा, इकोनॉमिक गुड जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, लेकिन फ्री गुड की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। हम कोई फ्री गुड के अगेंस्ट कोई चीज सेक्रीफाई नहीं करते, इनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होती है। करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, फ्री गुड अनलिमिटेड होती है, ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है, यूटिलिटी पोजेस करती है, बट दे हैव नो प्राइस। इकोनॉमिक गुड लिमिटेड है, ये कभी भी कोई भी इकोनॉमिक गुड हो मगर वो अनलिमिटेड हो, वो फिर ये इकोनॉमिक गुड नहीं होगी। इकोनॉमिक गुड जो भी होगी वो लिमिटेड होगी, वो यूटिलिटी भी पोजेस करेगी प्लस उसके प्राइस भी होगी। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है ये पॉसिबल है। जी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज या हाउस होल्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इंक्लूडेड आवर पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे हमारे घर, हमारी फर्नीचर, फिक्सचर, गाड़ियां, क्लोदिंग, ये सब इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्सेज हैं, इनकी हमारी पर्सनल पोजेशन में ये सब होते हैं। जबकि फर्म्स रिसोर्सेज या प्रोड्यूसर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द फर्म, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी ओनरशिप जो है वो इनफैक्ट ये फर्म के पास है। जबकि नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द इकोनॉमी या स्टेट एज ए होल, ये स्टेट के रिसोर्सेज हैं। जैसे ये जो सरफेस लैंड है ना, इसकी ओनरशिप हम ले सकते हैं, लेकिन जो बिलो द सरफेस रिसोर्सेज है ना, वो हमारी ओनरशिप में नहीं होते हैं, वो स्टेट के हैं।
ठीक है, इस वजह से किसी घर के अंदर से भी अगर कोई गैस या मिनरल ड्राफ्ट हो जाता है, एक्सप्लोर होता है, तो गवर्नमेंट वो सरफेस लैंड की जो है वो पैसे दे देती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी दे देती है, लेकिन वो घर फिर खाली करवा लेती है। जी, तो नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल है, ओवरऑल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीजें जो है वो नेशनल रिसोर्सेज हैं, और मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, एयर रिसोर्सेज हैं, और ये रिसोर्सेज जो हैं, ये इनकी जो पोजेशन है वो गवर्नमेंट के पास या स्टेट के पास होती है। जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होते हैं, द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट, ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या चीजें बनाई जाएं, कितनी क्वांटिटी में बनाई जाएं, ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम है ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज स्केर्स ना हो, अनलिमिटेड हो, तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इस वजह से प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी डिजायर एंड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये मुमकिन नहीं है कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटीज में ये गुड्स और सर्विसेज जो है ये बना लें। तो इस व्हाट टू प्रोड्यूस और कितनी बनाए, ये इनफैक्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से गुड्स और सर्विसेज बनाएं, कौन से मेथड और टेक्निक यूज करें, अगेन ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। अगर हमारे रिसोर्सेज स्केर्स ना हो, वो अनलिमिटेड हो, सो फिर हम जो मर्जी मेथड और टेक्निक का यूज करें, जितने मर्जी हम रिसोर्सेज जो है उनको वेस्ट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे अगर हमारे रिसोर्सेज एयर और सनशाइन की तरह, लेकिन इनफैक्ट हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो फिर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड टेक्निक यूज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए चीजें बनाएं, ये भी अगेन स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आता है, क्योंकि हम हर एक के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में हर एक के पास लग्जरी लाइफ क्या बेसिक नीड तक नहीं है, तो ये स्केर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी ना हो, तो फिर हम हर एक के लिए गुड्स और सर्विसेज जो है वो फिर बना लें। इनकम एंड वेल्थ, अब इनकम और वेल्थ जो है ये दोनों जो है वो इनफैक्ट मेजरिंग यॉर्ड है या यॉर्ड स्टिक्स हैं टू मेजर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल या किसी नेशन या इकोनॉमी के लिए यॉर्ड स्टिक हैं उसके इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। इनकम क्या चीज है, इनकम रेफर्स टू द इनफ्लो, पीरियडिक इनफ्लो, वो वीकली, वो मंथली, वो डेली या एनुअल बेसिस की हो सकता है, फ्रॉम द रेंट, फ्रॉम द लेबर, फ्रॉम द वेजेस, फ्रॉम द इंटरेस्ट और फ्रॉम द प्रॉफिट, तो इसको हम बोलते हैं इनकम। जबकि वेल्थ जो है मींस नेट एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के नेट एसेट या किसी पर्सन के भी हो सकते हैं, सोसाइटी के, फर्म के भी हो सकते हैं, एंड इनकम इज द फ्लो, तो इनकम तो इनफैक्ट फ्लो है जो कि डेली और मंथली बेसिस के ऊपर है, जबकि वेल्थ जो है वो स्टॉक पर यूनिट ऑफ टाइम इकट्ठी की हुई है, वो बेसिकली फिर जो है वो वेल्थ कहलाती है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ऑल दी टेंजिबल दैट सेटिस्फाई सर्टेन ह्यूमन वांट, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं और जो कोई ना कोई हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स हैं, और जो सर्विसेज हैं दे आर नॉन टेंजिबल, जैसे गुड्स में एप्पल है, बुक है, डस्टर, मोबाइल सेट है, ये गुड्स हैं, जबकि सर्विसेज जो हैं दे आर नॉन टेंजिबल, जैसे अकाउंटेंसी की सर्विसेज हैं, टैक्स कंसल्टेंसी है, एजुकेशन है, ट्यूशन, मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सर्विसेज है। फिर टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड जो है वो पांच तरह की कर सकते हैं, एक मेरिट गुड हो सकती है, फिर दूसरी डीमेरिट गुड हो सकती है, प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड है, क्लब गुड है। ये जो क्लब गुड होती है ना, इसको वैसे जो है वो क्वेजी पब्लिक गुड भी बोलते हैं, बहरहाल इधर उसको उसने क्लब गुड का नाम दिया है। तो मेरिट गुड, मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सोशली डिजायरेबल, ऐसी गुड जो कि सोशली डिजायरेबल हैं फॉर द सोसाइटी एंड दे प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक इकोनॉमी के लिए, एक सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हैं एंड दे प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, बट दे आर अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सपोर्ट फैसिलिटी।
ये इसकी ये जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल हेल्थ की है कि अगर हम किसी कंटेजियस डिजीज के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो फिर एक तो ये है कि हमारा पर्सनल बेनिफिट है कि हम उस डिजीज से बच जाएंगे, दूसरा सोसाइटी के लिए बेनिफिट जो कि एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाता है जिसको हम ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं कि सोसाइटी में हम वो डिजीज फिर ट्रांसमिट भी नहीं कर सकेंगे तो ये सोशल बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह की इसकी दो जो है ये इनफैक्ट ये सोशली डिजायरेबल है और इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, ये इसके जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें डायग्राम बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स हम उन गुड्स को बोलते हैं विच आर सोशली नॉन डिजायरेबल एंड दे प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, ये डीमेरिट गुड्स कहलाती हैं। इसमें एक तो सोशली नॉन डिजायरेबल है, इंडिविजुअल की अपनी कॉस्ट भी आती है लेकिन कॉस्ट जो है वो दूसरों की भी आ रही होती है जो कि कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। जब एक स्मोकर जो है वो जब धुआं इनहेल करता है तो दूसरे लोग तो फ्री में जो है वो उनकी कोई प्रॉब्लम उनके वो उस डिसीजन में शामिल ही नहीं है, वो उस डिसीजन में शामिल नहीं है, वो मजबूरन उनको इनहेल करना पड़ता है। तो ये इसकी जो है वो सोशल कॉस्ट, सो नॉन डिजायरेबल है एंड दे प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। प्राइवेट गुड्स की, ये प्राइवेट गुड्स हुए जो प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, अंडर द प्राइस मैकेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये प्राइवेट गुड जो है इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपस में राइवल होते हैं, एट ए टाइम दो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, प्लस एक्सक्लूडेबल है, यानी बगैर पेमेंट के, बगैर फी, बगैर प्राइस के आप इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट है, ये सब इडेबल, ये सब चीजें जो है वो इनफैक्ट टॉयज इलेक्ट्रॉनिक, ये प्राइवेट गुड्स में है। पब्लिक गुड, ए पब्लिक गुड इज नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, एट ए टाइम दो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लाइट हाउस है, अब किसी एक जो है वो फिशरमैन ने लाइट हाउस बनाया या कंपनी में ने लाइट हाउस बनाया ताकि जो डेंजरस रॉक्स हैं उनसे बच सकें जहाज या कश्तियां, दूसरे तो फ्री में यूज कर रहे होते हैं। फिर गवर्नमेंट या कोई एक बंदा स्ट्रीट लाइट लगा लेता है तो दूसरे फ्री में यूज कर रहे हैं, तो इनमें हम लोग फ्री राइडर होते हैं और एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, ये नॉन राइवलरी है और नॉन एक्सक्लूडेबल, बगैर पेमेंट के हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पेमेंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। जी क्लब गुड्स, क्लब गुड जो है वो नॉन राइवल है, यानी एट ए टाइम एक से ज्यादा लोग हम कंज्यूम कर सकते हैं, किसी एक अगर कंज्यूम करता है तो दूसरा, दूसरे का बेनिफिट कम नहीं होता, दूसरे की यूटिलिटी कम नहीं होती है, तो वो भी एट ए टाइम कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इसमें हम पेमेंट करते हैं, इसकी प्राइस होती है। जैसे गोल्फ क्लब है, स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, और ये डेफिनेशन जो है वो ब्यूकनन 1963 में, ये एक इकोनॉमिस्ट है जिसकी और भी कई सारी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के ऊपर उसने दी है। चलें जी, तो अब हम आते हैं, इसका मेरा ख्याल इधर ही है, नहीं नेक्स्ट। जी इन नटशेल एक टेबल में गुड्स, आगे करेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल मैरिट गुड के करेक्टरिस्टिक्स सोशली डिजायरेबल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रोड्यूस करता है जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सपोर्ट फैसिलिटीज है। डीमेरिट गुड जैसे ये नॉन डिजायरेबल, सोशली नॉन डिजायरेबल, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रोड्यूस करते हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल है। फिर प्राइवेट गुड्स ये राइवल होते हैं और एक्सक्लूडेबल हैं, एट ए टाइम दो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम पे भी करते हैं इसके लिए, बगैर प्राइस की मुमकिन नहीं है। एप्पल, बर्गर, चॉकलेट, पब्लिक गुड नॉन राइवल है, बगैर एट ए टाइम दो से ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, एक अगर कंज्यूम करता है तो दूसरे की यूटिलिटी में कमी नहीं आती है। नॉन एक्सक्लूडेबल, ये दोनों चीजें जो हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, हम इनको बगैर पे के, यानी अगर हम फ्री राइडर होते हैं, जैसे डिफेंस, स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, और वो लाइट हाउस का काम भी इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट की तरह का है। क्लब, क्लब गुड जो है ये वो गुड्स हैं जो कि नॉन राइवल है, एट ए टाइम दो लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है,
लेकिन उसके लिए कोई ना कोई फी हमें प्राइस देनी पड़ती है, गोल्फ क्लब है, स्विमिंग पूल है। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम की बेस के ऊपर इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड और सुपीरियर गुड भी। नहीं, पब्लिक गुड्स के लिए जो ना पहली बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स सारी दुनिया में है ही नहीं, बस ये लाना थे सिर्फ हमारे यहाँ गरीब मुल्कों में। तो दूसरी बात यह है कि फिर भी ये जरूरी नहीं है कि जो बिल्कुल भी नहीं टैक्स पे करता, वैसे पाकिस्तान में वो कम ही लोग होंगे शायद जो सांस लेते हैं वो टैक्स पे करता है, तो उसके लिए डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, यानी डायरेक्ट हम प्राइस नहीं पे करते हैं। इंफीरियर गुड जी, इंफीरियर गुड जो है वो गुड्स हैं जो कि हमारी इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड कम हो जाए, इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ जाए, इनको इंफीरियर गुड बोलते हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम एंड वाइस वर्सा, ये इंफीरियर गुड है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंफीरियर गुड है। अपनी गाड़ी के ऊपर सफर करना ये नॉर्मल गुड या सुपीरियर गुड हम कह सकते हैं। टैटू फिल्टर सिगरेट बहुत इंफीरियर क्वालिटी सिगरेट, बहुत इंफीरियर क्वालिटी। ये जो फूड आइटम है जैसे इरी राइस है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इनकम एंड वाइस वर्सा, जैसे फ्रूट्स हैं, एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सुपीरियर गुड्स जो बहुत लग्जरी गुड्स कहलाती हैं, जो हाई इनकम ग्रुप कंज्यूम करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन वन होती है, और लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन दी गुड, जैसे लग्जरी कार्स हैं, रेसिंग कार्स हैं, डायमंड्स वगैरह, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर गुड। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी की बेस के ऊपर जो है वो हम गुड्स को पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड, द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दे रिटेन देयर यूटिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनकी यूटिलिटी में कमी नहीं आती है। फर्नीचर, फिक्सचर, ऑटोमोबाइल और पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि अपनी यूटिलिटी रिटेन नहीं करते, तो ये एक खास टाइम तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल है। जी, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट, इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, ये प्रोडक्शन है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या चीज है? टेक्नोलॉजी मीन्स मेथड एंड टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्राइमिटिव मेथड भी हो सकते हैं, ये मॉडर्न मेथड भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अच्छा, टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इंक्रीज, अब इस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, ये इंक्रीज करती है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हेल्प्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी आउटपुट बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कॉस्ट कम हो जाती है, ग्रोथ होती है और इकोनॉमी जो है वो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, इनोवेशन और इन्वेंशन, इनफैक्ट ये सब चीजें जो है ये टेक्नोलॉजी की वजह से होती हैं। चलो जी, इनोवेशन नई चीजें बनाना, ठीक है, बल्कि बेशक पुरानी भी हो तो उसको नया करना, पुरानी चीज को भी नया करना इनोवेशन है। इन्वेंशन, कोई नई इख्तरा करना, नई चीज बनाना। जी, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कंप्लीट टास्क इज डन बाय सिंगल पर्सन, अब एक कंप्लीट वर्क एक इंडिविजुअल करता है वो स्पेशलाइजेशन है, और अगर उस एक टास्क को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हर पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल या लेबर या ग्रुप ऑफ लेबर को दे दिया जाता है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। सो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन भी जो है वो एक कंप्लीट टास्क जो है वो पूरा, जैसे एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ाना ये भी स्पेशलाइजेशन है, बजाय इसके के वो माइक्रो और पढ़ाए, मैक्रो और पढ़ाए और इन्फ्लेशन डेवलपमेंट कोई और पढ़ाए। जी, अब स्पेशलाइजेशन में भी आप एक टास्क करते हैं, ना कि सारे टास्क, एक कंप्लीट टास्क करते हैं। इट इंक्रीजेज आउटपुट एंड रिड्यूसेज एवरेज कॉस्ट, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर इससे भी ज्यादा वो सब स्पेशलाइजेशन है, जो फर्दर आपके काम के एक हिस्से तक कंसंट्रेट करते हैं, आउटपुट फर्दर बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे आप कम टाइम में चीज प्रोड्यूस करते हैं। इट लीड्स टुवर्ड्स इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, विच इज इन सब स्पेशल रियलिटी इन विच द वर्क इज डिवाइडेड, योर टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल।
इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप एक सिर्फ पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे उससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, टाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप कम टाइम में चीज को प्रोड्यूस कर लेंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स आप बार बार एक पार्ट के ऊपर चूंकि सिर्फ काम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ गुड बढ़ जाती है, इससे मास प्रोडक्शन होगी। ये जो 20th ईयर की मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री की तो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हुई है। इसके डिसएडवांटेजेस मोनोटनी, इंसान मोनोटनी का शिकार हो जाता है, बार बार बोरियत का शिकार हो जाता है, बार बार एक काम कर रहा होता है सुबह से शाम तक तो वो मोनोटनी का शिकार हो जाता है। फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अब जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ आते हैं तो आप काम के सिर्फ एक पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो सिर्फ एक पार्ट का काम आप कर सकते हैं, बाकी उसके जो पार्ट है वो तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। फिर इसमें इंटरडिपेंडेंस भी है, अब सारा काम तो आप नहीं कर रहे हैं, जैसे शू मेकिंग में चार छह पार्ट हैं, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ एक अपने काम के ऊपर नहीं है, अगर दूसरे ने काम स्लो कर दिया तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इसमें इंटरडिपेंडेंस जो है ये एक बड़ा इशू होता है। जी कंजम्पशन, ए पार्ट ऑफ इनकम डिपेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंजम्पशन। इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आप खर्च करते हैं ये कंजम्पशन है, इनकम का वो हिस्सा जो आप कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जी दी कंजम्पशन हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स, आपकी कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होती है, ये लिखा हुआ है गुड या सर्विस। अब वो गुड जो है वो ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अब वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो या तो गुड्स के ऊपर होगी या सर्विस के ऊपर होगी। गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकती हैं, वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन फर्नीचर फिक्स्चर ये ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि लॉन्ग लाइफ होती हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी यूटिलिटी रिटेन करती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल हैं और फिर सर्विसेज हैं, इनके ऊपर भी हमारी जो है वो कंजम्पशन हो सकती है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीज इन फिजिकल स्टॉक ऑफ एसेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये इनफैक्ट ये कैपिटल स्टॉक मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट की बात है ये। अब इसकी स्टेजेस नंबर वन सेविंग है, तो कैपिटल फॉर्मेशन में आप सबसे पहले सेविंग करेंगे, इनकम का कुछ पार्ट आप बचाएंगे। अब सेविंग के कई सारे फैक्टर जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो सेविंग जो है वो बैंकों के जरिए जब बैंकों में जाती है तो वो उसको हम मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग बोलते हैं, तो ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग है। अब बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी जो है वो कई कुछ अरसे की सेविंग को इकट्ठा करना, इंडिविजुअल भी ये कर सकते हैं, जैसे कई साल आप सेविंग इकट्ठी करते हैं तो ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग है। फिर उससे जब आप कैपिटल फॉर्मेशन मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनफैक्ट वो आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इनके फैक्टर जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके डिटेल में स्टडी करते हैं। पीपीएफ या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो पीपीएफ या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो कि एक बड़ा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके चैप्टर चूंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये चैप्टर नंबर वन जो है वो इनफैक्ट दो चैप्टर हैं, इकोनॉमिक सिस्टम एक अलहदा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट एक अलहदा चैप्टर है, तो हो सकता है कि हम पर डे दो दो चैप्टर इधर ना भी पढ़ सकें जी, लेकिन मैक्रो में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीएफ जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर भी कहते हैं, कई सारे इसके नाम है। सो पीपीएफ या फ्रंटियर इज ए कर्व शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज और ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज
विच कैन बी प्रोड्यूस प्रोवाइडेड वी एलोकेट आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये वो पीपीएफ हमें वो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन शो करती है जो हम अपने स्केस रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके, मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ये कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आप, मैं ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये हो, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिए जा सकते हैं और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह क्या आएगी, या कि पीपीएफ बना के तो इस तरह की कंसेप्ट पूछ सकता है। कॉम्बिनेशन में बी सी डी एम जे चार कॉम्बिनेशन है, मशीन में 0, 1, 2, 3 मशीन हैं, बुक्स में 10, 9, 6 और 0 जो है ये मशीन बुक्स हैं। ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है गिवन रिसोर्सेज, अगर हम तमाम ये इकोनॉमी एफिशिएंटली ये रिसोर्सेज यूज करती है ये कॉम्बिनेशन बना सकती है। यानी बी कॉम्बिनेशन जो है ये शो करता है कि अगर हम अपने तमाम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं तो फिर हम 0 मशीन 10 बुक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर ये इकोनॉमी, तो मोस्ट ऑप्टिमली हम यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन के ऊपर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम मशीन जो है वो एक बनाना चाहते हैं तो हम बी से सी की तरफ आएंगे, तो चूंकि रिसोर्सेज तो ऑलरेडी हमने ऑप्टिमली यूज किए हुए थे सारे के सारे, तो फिर कुछ रिसोर्सेज हम बुक से मशीन की तरफ लेके आएंगे तो फिर मशीन बनेगी। तो फिर जाहिर सी बात है जब एक मशीन का इधर एडिशन हुआ तो इधर आप देखें एक ये बुक का लॉस भी हो गया। ये जो बुक का लॉस हुआ है, क्योंकि पहले 10 बुक्स थी, अब जो है वो 9 बुक्स हो गई, तो एक बुक का जो लॉस हुआ है इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम बी से डी की तरफ आते हैं, यानी सी का पॉइंट हम छोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो फिर हम दो मशीन जो है वो बनाते हैं, चूंकि बी के ऊपर 0 मशीन है, डी के ऊपर 2 मशीन है, तो 2 मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक, तो ये 4 जो है वो बुक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 मशीन की। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं। चलें जी, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को अब हम जरा एक डायग्राम में यूज करते हैं। तो बुक्स हमने वाई एक्सिस के ऊपर, मशीन हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा। तो अगर हम अपने तमाम रिसोर्सेज वही डाटा यूज किया गया है एलोकेट करते हैं, तो या तो हम 10 बुक्स बना सकते हैं, या हमने देखा कि हम दूसरी साइड के ऊपर 3 मशीन बना सकते हैं, दोनों तरफ हम स्केल ले लेते हैं। तो बी और एम इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये एक कर्व बनती है जिसको हम पीपीएफ कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। सो दिस पीपीएफ कर्व विल शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स एंड मशीन इन दिस केस विच कैन बी प्रोड्यूस प्रोवाइडेड वी एलोकेट आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जी, तो इसमें तमाम एफिशिएंट प्रोडक्शन तमाम इन पॉइंट्स के ऊपर दी जाएगी पीपीएफ के ऊपर, यानी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बी पॉइंट के ऊपर है जहां पे तमाम रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज करके तो 10 बुक्स बना रही है और मशीन 0 है। अगर इकोनॉमी पहली मशीन बनाना चाहती है तो डेफिनेटली फिर कुछ रिसोर्सेज बुक्स से मशीन की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो फिर हम आ जाएंगे यहां से बी से सी की तरफ। जब हम बी से सी की तरफ यहां आते हैं तो आप देखेंगे तो एक बुक जो है वो हमने इधर एक बुक फोरगो की है फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट मशीन। ये जो एक बुक हमने फोरगो की है एक मशीन के लिए, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ ए गुड फॉर गॉन टू प्रोड्यूस अनदर गुड, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई फॉर गॉन टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स ऑफ ए गुड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। जो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगो करेंगे इसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इधर चूंकि केस में चीजें ही दो थी, तो अगर हम मशीन नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे तो फिर बुक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो है जो हम फॉरगो कर रहे हैं। जी, तो पहली मशीन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक बुक है। अगर हम दो मशीन बनाते हैं तो फिर हम डी से इकोनॉमी डी से सी पॉइंट की तरफ आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जब दो मशीनें बनी हैं तो बुक्स की क्वांटिटी जो है वो 6 रह गई है, तो बुक्स इनफैक्ट 9 to 6, ये बुक्स जो है वो यहां से यहां, तो इनफैक्ट यहां पे 3 बुक्स जो है वो फोरगो की हैं। तो अब जो सेकंड मशीन है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 3 बुक्स है। अगर हम तीसरी मशीन बनाते हैं तो फिर इकोनॉमी डी से एम पॉइंट की तरफ आएगी। इसका मतलब यह है कि अब
इधर ये इकोनॉमी में ये बुक्स बढ़ी, बुक्स मशीन बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बुक्स जो है वो कम होती चली जा रही है। अब बुक्स जो है वो जो फोर को की जा रही है वो छह है, तो तीसरी मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिक्स बुक्स है। और अगर हम दो मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लें तो फिर यहां से लेके यहां तक ये जो कि चार बुक्स बनती हैं, तीनों मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लें तो दस बुक्स बनती हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट ये है, तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी हम कम कर रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में जब एक चीज कम होती है, एक वेरिएबल कम होता है दूसरा बढ़ता है, इसको हम जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। तो फिर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो पीपीएफ इस वजह से नेगेटिव है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो वी हैव टू फॉरगो सर्टेन यूनिट्स ऑफ वन गुड फॉर द सेक ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। हम बुक्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो फॉरगो करते हैं ये मशीन की खातिर, इस वजह से ये नेगेटिव स्लोप है। अब ये कन्वेक्स टू द रीजन इस वजह से है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ट्रेंड है वो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है। पहली मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बुक है, दूसरी मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो वो ये तीन बुक है, तीसरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिक्स बुक्स है। तो ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो जिसकी वजह से ये कनकेव टू द रीजन है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड क्यों है, क्यों उसकी रीजन ये है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो बुक्स की तरफ ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये बेहतर है। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दे आर मोर प्रोडक्टिव इन द मशीन साइड, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो इधर ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन जो ऑथर है, जो बुक बाइंडर है, जो मशीन के ऊपर इससे ये बाइंडिंग मशीन प्रिंटिंग मशीन के ऊपर काम करने वाले हैं वो इधर ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो लिहाजा इस वजह से जब हम इधर से इधर लोगों को लेके आएंगे, पहले जब मशीन बनाएंगे तो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स जैसे मैकेनिकल इंजीनियर को हम इधर लेके आएंगे तो वो उधर इतनी प्रोडक्शन में कमी बुक्स में नहीं होगी, लेकिन उसके बाद सारे तो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो ट्रेंड है ये बढ़ता चला जाता है। अच्छा अब हम आते हैं कि इसके ऊपर अगर हम देखें ये जो ये डायग्राम है इसमें ये जो पीपीएफ के ऊपर तमाम पॉइंट्स हैं ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। पीपीएफ के ऊपर जो तमाम पॉइंट्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करते हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती है। जो इनसाइड द पीपीएफ पॉइंट होगा वो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करेगा, जो आउटसाइड द पीपीएफ पॉइंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, अटेनेबल नहीं होगा। अगर वो अटेन होगा तो कब अटेन होगा, जब इंटायर पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट होगी, उस वक्त फिर ग्रोथ रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव स्लोप ये बता दिया कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जिस्टेंस है, दिस इज द रीजन ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ एन ऑफ पीपीएफ। फिर कंकेव टू द रीजन क्यों है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोर प्रोडक्टिव टू प्रोड्यूस वन गुड व्हाइल अदर आर बेटर टू प्रोड्यूस एन अदर गुड। ठीक है, यानी ये एक दूसरे का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसकी वजह से पीपी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बेसिकली उसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है जी। अब ये एक हम पॉइंट जो है वो इनसाइड द पीपीएफ लेते हैं, तो इसके ऊपर जब इकोनॉमी मूव करती है तो वो तो तमाम ये जो बी और सी और डी और एम कॉम्बिनेशन है ये तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करते हैं। फिर जब रिसोर्सेज आप ऑलरेडी ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक चीज को जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी चीज की क्वांटिटी फॉरगो करेंगे, एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी चीज की क्वांटिटी आप देख रहे हैं जो जो मशीन बढ़ रही है तो बुक्स कम हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन जब आप इनसाइड दी पीपीएफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को ऑलरेडी एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो पी पॉइंट शोज इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप अनएम्प्लॉयड पड़े होंगे, और अगर हम इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो फिर हम बी से सी पॉइंट की तरफ आ जाएंगे या डी पॉइंट की तरफ या क्यू पॉइंट की तरफ। तो तीनों केसेस में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आई है विद रेफरेंस टू पी पॉइंट, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी लेकिन आउटपुट बढ़ेगी। ठीक है, ये जो आउटपुट बढ़ती है इसको हम रियल ग्रोथ बोलते हैं।
which in which the growth या output increases due to efficient allocation of the existing resources. ये जो outside the PPF point है, जो R point है, ये possible नहीं है. ये कब possible होगा? Unattainable है. तो inside the PPF तमाम attainable है, outside the PPF unattainable है. ये कब attainable होगा? जब हमारी entire PPF outward shift हो जाएगी B1 M1. अब ये point attainable होगा. ठीक है, तो आउटसाइड दी पीपीएफ, येलो पीपीएफ का हर कॉम्बिनेशन इनसाइड दी पीपीएफ, इनर पीपीएफ जो वाइट पीपीएफ है उसके हर कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों से और जैसे पॉइंट है. ये दोनों चीजों की गुड्स मशीन और बुक्स की आउटपुट ज्यादा शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ होगी. इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रोथ. ये कब पॉसिबल होगी? जब अब ये दोनों चीजों की क्वांटिटी ज्यादा. कब पॉसिबल होगी? ये उस वक्त पॉसिबल होगी. अच्छा, ये वही जो पीपीएफ के ऊपर तमाम पॉइंट्स, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, अटेनेबल है, इनसाइड दी पीपीएफ जो है वो अटेनेबल है, मगर वो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करता है. आउटसाइड दी पीपीएफ आर कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल है, और जब वो होगी तो उससे ग्रोथ होगी. ये वही चीजें. और काजेज ऑफ आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो फिर पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड या उसके रिसोर्सेज, मिनरल ऑयल, गैसेज, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, कोल माइन, गोल्ड माइन को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उससे पीपीएफ हमारी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. हम पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे. मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री ज्यादा लग जाती है तो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगी ज्यादा, पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ह्यूमन कैपिटल, हम अपने लोगों को एजुकेट कर देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, स्किल दे देते हैं, तो उससे भी स्किल जो ह्यूमन है दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन द अनस्किल पीपल, उससे भी पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. अब ये पीपीएफ जो है वो इनवर्ड कब शिफ्ट होगी? जब इनमें से कोई या एक से ज्यादा ये जो रिसोर्सेज हैं ये कम हो जाते हैं. यानी जैसे अर्थ को एक आ जाता है, जंग लग जाती है, ड्राउट आ जाता है, तो उससे हमारी पीपीएफ जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है जी. अच्छा, पीपीएफ जो है उसमें हमने ये पिविटल शिफ्टिंग नहीं की है. अब चूंकि इस तरह के हालात हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. जैसे ये बुक्स हैं और ये मशीन हैं, तो पीपीएफ जो है ये इनिशियल पीपीएफ है. अगर सिर्फ मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए वाइल ऑल अदर थिंग्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो फिर पीपीएफ में शिफ्टिंग जो है वो इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी. तो ये पीपीएफ पहले वाली थी, अब ये दूसरी वाली पीपीएफ हो जाएगी. फिर इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि ये जो मशीन बनाने की बजाय बुक्स की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है वाइल ऑल अदर थिंग्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो फिर ये पीपीएफ जो है वो इस तरह से ये पिविटल शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं यूं ये शिफ्ट हो जाएगी. जी मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ पहले केस में सिर्फ अगर मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, बुक्स या और किसी में कोई चीज में फर्क नहीं आया, तो फिर पीपीएफ में शिफ्टिंग जो होगी फिर वो इस तरह की शिफ्टिंग हो जाएगी ये. और अगर बुक्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, यानी नई टेक्नोलॉजी, नई बुक्स की मशीनरी आ गई हैं, तो फिर इधर पीपीएफ में पिविटल शिफ्टिंग होगी. ये तो ज्यादा प्रोड्यूस हो सकेगी लेकिन मशीन में तो कोई चेंज ही नहीं आई है, तो इस तरह से ये पिविटल शिफ्टिंग जो है वो भी पॉसिबिलिटी होती है उसकी. वो एक चैप्टर तो करें यार, अब इसके बाद दूसरा लेक्चर भी आपका कौन सा? लेकिन है नहीं है? पता करके कौनटे का लेक्चर है कि नहीं. नहीं तो एक चैप्टर तो कम, ये तो एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ अभी. डेढ़ दो घंटे लग ही जाएंगे. पता करके हैं जरा.
आहो पढ़ा ले जान सुनाए यार नहीं है ना, मुझे पहले ही पता था। बैठ जाए जी, इकोनॉमिक एजेंट आपके जाने से ही पता चल गया। वैसे आप जिस तरह से गए थे ना, पता चल रहा था कि क्लास है नहीं। जी, इकोनॉमिक एजेंट एप्लीकेशन टू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, हाउस होल्ड या कंज्यूमर। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी स्केस्टी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। अब एक कंज्यूमर के पास स्केस रिसोर्सेज हैं, या उससे एक चॉकलेट परचेज कर सकते हैं से 100 रुपीज हैं, या 100 रुपीज का एक पैकेट जो है वो चिप्स का परचेज कर सकता है। अगर वो चॉकलेट परचेज करेगा तो चिप्स फोरगो करेगा, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। ठीक है, यानी जो चिप्स की अब यूटिलिटी है वो उसको फोरगो करना पड़ेगी। फिर फर्म, फर्म के रिसोर्सेज भी स्केस रिसोर्सेज हैं, या तो एक फर्म जो है वो एसी प्रोड्यूस कर सकती है गिवन रिसोर्सेज से, या वो फ्रिज प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर वो एक एसी प्रोड्यूस करती है तो उसको फ्रिज की रेवेन्यू फोरगो करना पड़ेगी, ये उसकी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। गवर्नमेंट जो है वो सोशल वांट, उसको भी कोई ना कोई वांट फोरगो करना पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है तो फिर इसका मतलब है कि हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो उसको फोरगो करना पड़ेगी। ठीक है, अगर इधर आपके लोगों को कल रिलीफ दिया गया, रिलीफ देंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी कि बजट डेफिसिट और बढ़ेगा, आपको फर्दर लोन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं फॉरेन ट्रेडर, कोई एक चीज आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपको दूसरी एक्सपोर्ट, दूसरी जो है वो आपको फोरगो करना पड़ेगी। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ भाई अभी। ठीक है, एक चैप्टर, लेकिन ये कोशिश करेंगे जरा जल्दी पढ़ने की। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ स्केस रिसोर्सेज। लेकिन अभी तो एक बच्चा अब भी आया है, वो उस बेचारे को भी तो कुछ पढ़ना ही है ना। अच्छा, इधर वैसे आवाज का ये है नहीं, मेरा ख्याल है, पता नहीं होगा भी तो मुझे पता नहीं है। जी, आप मुझे सुन सकते हैं भाई बच्चों जो ऑनलाइन है? ऑनलाइन, हाँ मैंने अब लगाया, ये सुन सकते हैं ना? अभी अभी बच्चा कौन आया है? अच्छा, 3 4 आ गए। क्या हुआ? वो नहीं, चैट को छोड़े यार, बस वो उधर मुमकिन नहीं, बस ये आवाज आ रही है ना मुझे जी। तो अच्छा, जिसने कोई क्वेश्चन करना है वो इधर से बोले भाई, वो उधर मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ स्केस रिसोर्सेज। कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फ्री मार्केट है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं या फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। प्लैंड इकोनॉमी है, जिसको हम कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिज्म भी कहते हैं, फ्री मार्केट को कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। फिर एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और उसके बाद आखिरी सिस्टम हमारा जो सिलेबस का है वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। जी, तो फ्री मार्केट, तो हम इनको फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शन उसकी डेफिनेशन में मौजूद है, यानी हम किस तरह से लैंड, लेबर और कैपिटल को यूटिलाइज करके, ये इकोनॉमिक सिस्टम का काम है, स्केस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके किस तरह से हम मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। जी, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जाके नेशनल इनकम में पढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सूरत में फर्म को, और फर्म जो है वो इसके अगेंस्ट, इन सर्विस के अगेंस्ट फैक्टर इनकम यानी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट ये देते हैं, और ये हाउस होल्ड जो है वो गुड्स और सर्विस जो कि फर्म में प्रोड्यूस करते हैं। अगर सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड, और ये हाउस होल्ड इसके अगेंस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे, पेमेंट करेंगे, जिनको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जी,
So free market is a system in which all economic decisions are made by the consumer, producer and owners of factors of production. इसमें तमाम डिसीजन जो है वो या तो कंज्यूमर करता है या वो प्रोड्यूसर करता है या वो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज जो है वो नहीं है, इसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट जी। इसके अगेंस्ट बिल्कुल अपोजिट जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी होती है। जी तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो बड़ी मेन फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर इसमें ये है कि ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट के पास इसमें जो फ्री मार्केट हम प्योर फॉर्म में पढ़ते हैं उसमें गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होता है। फिर इस तरह से रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फ्री फोर्सेज से रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है प्राइस मैकेनिज्म से। जी जी मैम, फ्री मार्केट जो हम प्योर फॉर्म में पढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। वो हम जाके आखिर के ऊपर कंक्लूजन में देखेंगे, ना तो 100% फ्री मार्केट किसी इकोनॉमी में मौजूद है, ना किसी इकॉनमी में 100% जो है वो सोशलिज्म मौजूद है। हर दुनिया के हर मुल्क में गवर्नमेंट मौजूद है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सिस्टम में। जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है उसको हम सोशलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत कम इंटरफेरेंस है उसको हम फिर फ्री मार्केट इकॉनमी बोलते हैं। ठीक है जी, the resources are allocated through price mechanism। तो यहाँ पे तमाम resources price mechanism के जरिए allocation की जाती है। तो profit जो है वो driving force है system में। so profit जो है वो तमाम हम काम जो करते हैं यहाँ पे profit की वजह से करते हैं। यहाँ पे हम अपने resources की allocation और इतनी जो effort करते हैं वो basically सिर्फ profit है। और अगर इस system में से profit निकाल दिया जाए तो ये system जो है वो collapse हो जाता है। तो price mechanism भी बहुत important role play करता है इन डिटरमिनिंग दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर जो है वो प्रॉफिट है, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये तमाम तरह की फ्रीडम, आप जो चीज चाहे कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ दी लॉ ऑफ हरल। जी जो कि हम जो फ्री मार्केट पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें गवर्नमेंट मौजूद होती है। जी तो बेनिफिट एंड ड्रॉबैक, तो बेनिफिट जो है इसके फ्री मार्केट के बेनिफिट्स कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जी। ऑटोमेटिक वर्किंग है, ऑटोमेटिकली वर्क करती है, रिसोर्सेज की एलोकेशन प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस चीज की प्राइस ज्यादा उधर की हम रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं, जितनी प्राइस बढ़ती है इतनी ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर इधर कंज्यूमर सॉवरेंटी प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर जो चीज डिमांड करेगा मार्केट में वो मार्केट में हम प्रोड्यूस करते हैं, तो कंज्यूमर की सॉवरेंटी है। इनफैक्ट कंज्यूमर जो चाहता है वही चीज प्रोड्यूस की जाती है। फिर इसी तरह से डायनामिक एंड अडॉप्टेबल टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत तेजी से फ्री मार्केट अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेती है। जो इसके डीमेरिट होंगे वो इनफैक्ट प्लान्ड इकोनॉमी के फिर मेरिट होंगे, जो इसके मेरिट है वो उसके डीमेरिट होंगे। इट डज नॉट नीड कॉस्टली, इसके लिए कॉस्टली ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रन करता है प्राइस मैकेनिज्म के जरिए, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में बहुत कॉस्टली ब्यूरोक्रेसी सारी गवर्नमेंट उसको चलाती है। प्राइवेट रिसोर्सेज प्रोड्यूसर एलोकेट ऑप्टिमली टू मैक्सिमाइज, इसमें यह है कि हम अपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमल एलोकेशन करते हैं, चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। रिसोर्सेज चूंकि प्राइवेटली ओन है तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हमें लॉस हो। इट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जो हम काम चाहें विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ वो हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से कंज्यूमर चॉइसेस बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इट एनकरेजेस इनोवेशन और डेवलपमेंट, तो बेताशा इनोवेशन और डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इसी सिस्टम में मौजूद है अमेरिका और यूरोप जो कि फ्री मार्केट के चैंपियन है। फिर इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल हो जाती है।
अमीर अमीर तर होता चला जाता है, वो प्राइवेट एलोकेशन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉफिट की वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, गरीब गरीब होता चला जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लीड्स टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, इसमें जाहिर है आपने तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको चाहिए, उससे आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ जाती है। ओनरशिप ऑफ प्राइवेट रिसोर्सेज और इसमें मोनोपोली जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, मोनोपोली बन जाती है, जैसे नेस्ले है, जैसे यूनिलिवर है, जैसे टोयोटा है, जैसे जनरल मोटर है, तो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज बन जाती हैं। फिर वीक इकोनॉमिक एजेंट जैसे लेबर है, उसकी एक्सप्लाइटेशन जो है वो ज्यादा होती है, तो लेबर वगैरह की एक्सप्लाइटेशन जो है वो इस सिस्टम में फिर ज्यादा होगी। जी मेरिट और पब्लिक गुड्स ये दोनों कम प्रोड्यूस की जाती है सिस्टम में, क्यों के पब्लिक गुड में तो प्राइसिंग ही मुमकिन नहीं है, फ्री राइडर है उधर लोग, जबकि दूसरी तरफ मेरिट गुड एजुकेशन और हेल्थ ये भी कम प्रोड्यूस की जाती है, जो कि हालांकि सोशली डिजायरेबल है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है, इसी वजह से इस सिस्टम में प्लानिंग है ही नहीं, इसी वजह से इस सिस्टम में ट्रेड साइकिल आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बूम और डिप्रेशन आ रहे होते हैं। जितने ट्रेड साइकिल हैं आप देखेंगे कि वो सब के सब अमेरिका यूरोप से शुरू होते हैं, प्लैंड इकोनॉमी में ये नहीं आते हैं। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फॉर द रिच हु कैन पे, तो इधर जो है हम कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर जो है वो अमीरों के लिए जो है वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं, सो लिहाजा ये सिर्फ अमीरों के लिए प्रोड्यूस करेगी ये इकोनॉमी, गरीबों के लिए प्रोड्यूस जो है वो नहीं करती है। चलें जी अब हम आते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तमाम का सॉल्यूशन थ्रू प्राइस मैकेनिज्म होता है। तो प्राइस मैकेनिज्म ये सॉल्व करती है क्या चीजें प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में, कैसे और किन लोगों के लिए ये प्रोड्यूस करें। जी इसके बाद प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं, इज ए सिस्टम इन विच द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन और द डिक्टेटर। तो गवर्नमेंट या प्लानिंग कमीशन जो उसका डिपार्टमेंट है उसी का बनाया हुआ है, या वो डिक्टेटर वो करता है। इसके फीचर तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ट्रेड ओवर होते हैं, गवर्नमेंट ओन करती है, पब्लिक सेक्टर में होते हैं और दे आर एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। सेंट्रल प्लानिंग कमीशन डिसाइड व्हाट, अब ये इधर जो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी रिसोर्स की एलोकेशन कौन करता है, वो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन कर रहा होता है, क्या चीजें प्रोड्यूस करनी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी, कैसे प्रोड्यूस करनी। फैक्टर प्राइसेस जो है वो फ्री मार्केट की डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से नहीं डिटरमिन की जाती है, या तो प्राइसेस होती नहीं है, अगर होती है तो दे आर डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर या प्लानिंग कमीशन ये फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिन करता जो कि बहुत थोड़ी होती है, कंपेटिटिव नहीं होती है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अंडर द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो इनफैक्ट गवर्नमेंट ही कर रही होती है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ये बिल्कुल उसके फ्री मार्केट के ऑपोजिट होगा। इसके बेनिफिट्स, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए था, ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक प्लानिंग उधर है, जबकि उधर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इधर इक्वालिटी सोशल जस्टिस है, क्योंकि प्राइवेट रिसोर्सेज की एलोकेशन ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, वो सारे की इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए एज ए होल जो है वो यूज करती है। सो इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट भी इधर कम होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कम प्रोड्यूस कही जाती है, चूंकि ये तो पूरी इकोनॉमी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये सिस्टम चलता है, तो पब्लिक और मेरिट गुड जो है वो इंश्योर की जाती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कम प्रोड्यूस की जाती है। प्लान डिसीजन इंश्योर द डुप्लीकेशन, प्लान डिसीजन जब आप करते हैं तो डुप्लीकेशन नहीं होती है, और प्लस ये है, एक तो डुप्लीकेशन नहीं होती है, प्लस वेस्टेज वगैरह भी कम होती है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे जब मुल्क में तो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी प्लानिंग नहीं होती है, तो कई जगह पे डुप्लीकेशन है, कई काम होते ही नहीं है। इट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉय करना है, उसका काम तो प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। लैक ऑफ प्रॉफिट रिड्यूसेस इंसेंटिव टू वर्क, अब इंसेंटिव टू वर्क की कमी है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, इंसेंटिव टू वर्क नहीं है, जो काम ज्यादा कर रहा है ज्यादा एफर्ट कर रहा है, जो कम काम कर रहा है वो एक ही तरह का वेज रेट, नॉमिनल वेज रेट रखा होता है, वही उसको बेनिफिट होता है, तो इंसेंटिव टू वर्क कम हो जाता है।
इसके लिए ब्यूरोक्रेसी, रेड टैपिज्म, उनका निशान था रेड, जिसकी वजह से ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो चाहिए होती है। इट डिक्रीजेस अडॉप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है, अडॉप्टेबिलिटी कम है, एफिशिएंसी कम है, कम प्रोडक्शन होती है, इतनी मेहनत से काम नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर अपने आप को हालात के मुताबिक ढालते भी नहीं। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े अदारे, कराची स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है, पीआईए है, डेकड से लॉसेज में जा रहे हैं, स्टील मिल तो बंद पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसको वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो कोई भी नहीं ऐसा करेगा। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीजेस कंज्यूमर सॉवरेंटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। पब्लिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी तो कंज्यूमर सॉवरेंटी नहीं होगी कि वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो जो आप चाहें वो कर सकें, इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो कि जो आप चाहें वो प्रोड्यूस कर सकें, जो काम कर सकें। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। पब्लिक फंक्शनरीज मे इंडल्ज इन करप्शन, क्योंकि सारे का सारा काम पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, वो ऑफिसर चला रहे होते हैं, ऑफिशियल चला रहे होते हैं, फिर वहां पे करप्शन के चांसेस, जैसे हमारे भी गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन के चांसेस बहुत होते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज लॉस्ट। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल ना होने के बराबर। जी हाँ, वो सोशल वेलफेयर सोसाइटी तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए तो सारी लेबर तो नहीं चलाती है उसको। चलाते कौन है? वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लाइज होते हैं जो चलाते हैं ना। तो जब गवर्नमेंट के एम्प्लाइज चलाएंगे तो उसमें वो करप्शन के चांसेस होंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट मिक्स इकॉनमी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मौजूद है ना, तो आप देखते हैं जो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट करप्शन से भरे हुए हैं, तो ये चीजें तो मौजूद होंगी जब सारे का सारा सिस्टम। उधर करप्शन के चांसेस नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जैसे ये कॉलेज है, कौन करप्शन करेगा? कैसे करप्शन कर लेगा? कोई टीचर करप्शन कर सकते कहेगा? कोई सपोर्ट स्टाफ करप्शन कर सकता है? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के इदारों में जाए तो बेताशा, रिश्वत, करप्शन, ये सब चीजें वहां पे मौजूद होती हैं। हमने ये प्रैक्टिकली देखा कि 70 साल के बाद कोलैप्स हो गया ना रशिया, तो उसकी रीजन बेसिकली यही थी, इनोवेशन का ना होना, इंसेंटिव टू वर्क का ना होना। सबसे बड़ी रीजन इंसेंटिव टू वर्क का ना होना, करप्शन भी उसमें थी, हर चीज मौजूद थी वहां पे। तो अगर वो कामयाब रहता तो फिर तो वो चलता रहता ना, तो उसकी रीजन बेसिकली यही रीजन थी उसकी। जी, तो ये इसके मेरिट और डीमेरिट हो गए। अब हम आते हैं जी इनके। हाँ जी आफिस साहब, क्या हो गया? थक गए? बस ये थोड़ा सा काम रह गया। अब सोल्यूशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन प्लान इकोनॉमी, सिंपली ऑल दी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दे आर सॉल्व थ्रू सेंट्रल प्लानिंग कमीशन। ये सब सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो है ये डिसाइड करता है। चले, दो इकोनॉमिक सिस्टम हम कल पे रह लेते, थोड़ा सा यार अपना स्टैमिना बढ़ा के आए ना। रिवीजन क्लास में तो यही है कि हमने ये 7 दिनों में कंप्लीट करनी है ना, तो जब आपने 7 दिनों में कंप्लीट करनी है तो थोड़ा सा अपना स्टैमिना बेहतर करें, ठीक है। तो आज हम जितना छोड़ रहे हैं ये, प्लस कल दूसरा चैप्टर जो है वो हम करेंगे, और माइक्रो में शायद हम दो दो चैप्टर ना कर सकें। आपको बता दिया कि माइक्रो के चैप्टर बड़े हैं, मैक्रो में हमने 3-3 भी कर लिए हैं दिन में, ठीक है। उधर आधे आधे घंटे में एक एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलें, आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं, और कल इंशाल्लाह मिक्स्ड इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और चैप्टर 2 एटलीस्ट, ये एक एक चैप्टर तो दिन में हम जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके जितना ये सहूलत पैदा होती है ना, इतना बच्चा जो है ना वो और सहूलत मांगता है, वो और मम्मी डैडी बच्चा होता चला जाता है। अच्छा, यकीन करें कि मैं ये जो क्लास है ना, ये 5 घंटे मुसलसल पढ़ाता होता था, सिवाय नमाजों के वक्त पे थे। रोज 5 घंटे सिर्फ 3 दिन पढ़ा के रिवीजन करवा देता था। 5 घंटे रोज पढ़ाना, रमजान में भी 2 बजे या 1 बजे से लेके मैं 6-7 तक क्लास पढ़ाता था, और कभी कभार कॉलेज में भी इफ्तारी करता था।
आप अल्लाह के बंदो 1.5 घंटा पढ़ के थक जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं 5-5 घंटे रिवीजन क्लास होती थी, 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर देता होता था, वो भी इंसान ही। अब ये 5 घंटे जो सबसे पहले रिवीजन आईकेएफ में करवाई थी ना, उसमें मैं शामिल था, और उधर भी 3 दिन में करवाई थी। 3 दिन में जो सबसे पहले रिवीजन आईकेएफ ने करवाई थी ना सर, लाहौर में आईकेएफ हाउस में, वो 3 दिन में मैंने 5-5 घंटे पढ़ा के पूरा सिलेबस करवाया था, और उस वक्त स्लाइडें भी नहीं थी, मैनुअल करवाया भी था। तो अब तो स्लाइडों पे तो जरा और तेज हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टैमिना भी बढ़ा लें यार। है चलें, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। स्टॉप शेयरिंग है, नीचे वाला क्लास की।